हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्डिंग मशीन का जो लिक्रिन है उसका माउंटिंग के बारे में बताते हैं। और कार्डिंग मशीन का जो लिक्रिन का माउंटिंग है, सबसे पहला पार्ट है जो माउंटिंग होता है उसके आगे आगे रहता है, सब डफर रहता है, सिलेंडर रहता है, फ्लैट रहता है, वो आगे की बात है। सबसे ज़्यादा प्रेशर इसका ऊपर पड़ता है, क्योंकि जितना रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटीज रहता है या सीड रहता है, लकड़ी जैसा रहता है या लीफ रहता है, ये सब जो है इसी में मार खाता है, या उड़न का पीस आता है, कभी कभी लोहे का भी आ जाता है, तो ये सब डैमेज करता है लिक्रिन को। तो लिक्रिन का जो बचाव है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइमली इसका माउंटिंग करें। और लिक्रिन का सबसे पहले सुनिए, डफर सिलेंडर जैसा उसका जो सरफेस है प्लेन नहीं रहता, उसमें 8 ग्रुप रहता है। ये जो देख रहे हो ना, 4 कलर का लगा, एक एक ग्रुप है, वो ग्रुप का अंदर स्पाइरली वो जाता है, माउंटिंग होता है, वो यार स्पाइरली ऐसे ऐसे घुमा घुमा के माउंटिंग करते हैं। वो जैसे इधर 4 दिख रहा है, पीछे की साइड में भी 4 है, मतलब 8 तार इसमें लगता है, स्पाइरली उसमें ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लगाते हैं। और ये जो 8 तार रहता है, जैसे सिलेंडर डफर का एक सिंगल तार रहता है, एक साइड से पूरा माउंटिंग हो के ऐसे ऐसे होके पूरा लास्ट तक जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक तार उसके खड्डे में फंसाएंगे और स्पाइरल घुमा घुमा के दूसरी तरफ लेंगे और दोनों साइड सोल्डरिंग करेंगे, सोल्डरिंग स्ट्रिक में इसको मेल्ट करके सोल्डरिंग स्ट्रिक इसको चिपका देंगे, ताकि वो वहाँ से निकले नहीं। ऐसे ही 8 पीस हो जाएगा तो कम्प्लीट हो जाएगा। और इसको ये जो माउंटिंग होता है, देखो 16 पॉइंट में इसका सोल्डरिंग करना पड़ता है, इधर 8 पॉइंट, इधर 8 पॉइंट, टोटल 8 पीस का तार लगता है। वो तार का PPS है, आपको पता है, 25 से 40 तक आज पर मटेरियल है। वायर पॉइंट होता है 5 से 6 टीथ पर इंच, 1 इंच इतना सा होता है, इसमें 5-6 दांती रहता है, और हाइट भी 5 पॉइंट मतलब 5.5 mm की लगभग रहता है हाइट उसका, वायर का 5.5-6, 6.5 अपने हिसाब से, कोई 7 तक भी लेता है तो कोई बात नहीं, जो जैसे जैसे आता है मटेरियल का रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं। और लिक्रिन वायर का एक खासियत और है, जैसे आप सिंथेटिक चलाओगे माइनस एंगल भी ले सकते हो, 0 एंगल भी ले सकते हो, हाँ, और वो कटन में रहेगा थोड़ा एंगल अच्छा वाला ले सकते हो, लेकिन सिंथेटिक में आप अलग ले सकते हो। वो चॉइस करता है कौन सा मटेरियल आप चला रहे हो उसी हिसाब से। और सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कार्डिंग फॉर माउंटिंग, ये हो गया लिक्रिन, ठीक है। दूसरा हो गया स्पाइरल ग्रुप्स और लिक्रिन सरफेस, बताया था 8 ग्रुप रहता है, खड्डा रहता है, उसका अंदर वायर का रिब फंसा देते हैं ऐसे ऐसे, वो घुमा के दोनों साइड सोल्डरिंग मार देते हैं, फॉर बेटर ग्रिपेज ऑफ वायर। वो खड्डा क्यों रहता है, ग्रिपेज रहेगा वायर का, ग्रिपे रहेगा मतलब दबा के रखेगा और निकलेगा नहीं। लाइफ ऑफ वायर 180 से 240 टन, लाइफ ऑफ वायर 180 से 240 टन, वो क्या मटेरियल की, तुम्हारा किस टाइप का मटेरियल, मतलब समझ लो बहुत बढ़िया मटेरियल चला रहे हो कटन का, इसमें वेस्ट वगैरह कम है, ट्रेस कम है, तो 240 टन तक खींच सकते हो। अगर बिल्कुल ट्रेसी कटन चलाते हो तो 180 टन तक रहेगा, मतलब ये एक टेंटेटिव टाइम है, मतलब इतना केजी तक आप चला सकते हो, उसी हिसाब से आपकी प्रोडक्शन रेट कार्डिंग में क्या है, तो कितना महीने में उसका ड्यू आता है वो आप देख लेना। समझ लो हाई स्पीड कार्ड है तो जल्दी आ जाएगा ड्यू, क्योंकि टनेज के हिसाब से, और स्लो स्पीड कार्ड है थोड़ा लेट आ जाएगा, अगर फाइन काउंट चला तो और लेट आएगा, ठीक है। फाइन काउंट में आप 1 साल 1.5 साल तक भी चला सकते हो, और डिपेंड्स ऑन मटेरियल टाइप, मटेरियल टाइप मतलब देखो, सिंथेटिक डाइड चलाओगी जल्दी जल्दी माउंटिंग करना पड़ेगा, सिंथेटिक ग्रे चलाओगी और थोड़े दिन ज़्यादा चल जाएगा, और कॉटन चलाओगी और थोड़े दिन ज़्यादा चला जाएगा, मतलब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। बोथ एंड ऑफ वायर सोल्डरिंग एंड बोथ साइड, वो बताया था जैसे सोल्डरिंग होता है, डट डट जो दिया काला कलर का, बोथ साइड ऑफ वायर सोल्डरिंग होगा। आउट ऑफ 5 टाइम्स ट्वाइस माउंटिंग क्लब विथ होल माउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूरा कार्ड का माउंटिंग एक बार करोगी, उस टाइम में लिक्रिन का माउंटिंग भी कर देना, उसके बाद 3 टाइम और आपको लिक्रिन माउंटिंग करना पड़ेगा, फिर जब 5वां बार माउंटिंग करोगे
लेकिन इनका माउंटिंग सारे कार्ड के साथ कर लेना, मतलब सिलेंडर डफर फ्लैट के साथ लेकिन का कर देना, मतलब तीन बार जो पांच बार में दो बार आप क्लब करके माउंटिंग कर दोगे ताकि एक ही टाइम में हो जाए, डिटेंशन कम आए, प्रोडक्टिविटी अपना लस ना हो। बाकी तीन टाइम जो होता है लेकिन आप अलग से माउंटिंग करके डालना पड़ेगा। और कभी कभी क्या करते हैं, समझ लो आपकी 15 कार्ड है, 15 कार्ड में एक आध सेट कोई लिकरीन अपना क्या करते हैं एक्स्ट्रा रखते हैं, उसे माउंटिंग करके रखते हैं, जैसे ड्यू आ गया उसको डाल दिए, दूसरा पुराना लिकरीन और निकाल दिए, इसको फिर माउंटिंग करके रखें, उसमें क्या होता है डिटेंशन नहीं होता, मतलब कार्ड सफाई में गया लिकरीन चेंज हो गया, और वही कार्ड का लिकरीन ले कर माउंटिंग करोगे लगाओगे तो टाइम लगता है। ठीक है, इट इज़ माउंटेड ऑन लिकरीन माउंटिंग मशीन इन मेंटेनेंस रूम। ये जो है मेंटेनेंस रूम में जो मशीन रहता है लिकरीन माउंटिंग का, उसमें होता है, सिलेंडर डफर जैसा डिपार्टमेंट में नहीं होता। और इट इज़ नॉट माउंटेड इन डिपार्टमेंट लाइक डफर एंड सिलेंडर, वही बताया डफर सिलेंडर जैसा डिपार्टमेंट में माउंटेन नहीं होता। और टू इंक्रीज वेयर लाइफ फील्ड रोल डबल लैप सेंसर मस्ट ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, जैसे फील्ड रोल का जो रहता है ना, उसे मटेरियल जब आता है, समझ लो बल्कि मटेरियल आ गया, हैवी मटेरियल आ गया, ये मटेरियल अंदर लकड़ी आ गया, लोहा आ गया, तो उसका डबल लैप का सेंसर एक्टिवेट होता है, मतलब फील्ड रोल का हाइट बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा तो लिमिट से दबा देगा और कार्ड बंद कर देगा। वो डबल लैप का जो सेंसर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लिकरीन का सेफ्टी के लिए। अगर आपके डबल लैप का सेंसर नहीं है, बराबर नहीं है, कुछ भी आएगा चला जाएगा लिकरीन का अंदर, तो लिकरीन वह डैमेज कर देगा, फिर आप उसमें क्वालिटी का कोई उम्मीद नहीं रखना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डबल लैप सेंसर होनी चाहिए गाड़ी में। अगर डबल लैप सेंसर नहीं है तो आपको दिक्कत जाएगा, बार बार वायर डैमेज हो जाएगा लिकरीन का। टू चेक मैग्नेट्स फिटेड ऑन मटेरियल डक्ट, मटेरियल डक्ट के अंदर कई बार मैग्नेट रहता है, मैग्नेट रहने से क्या होता है, जैसे कोई लोहा वगैरह लकड़ी आता है, लोहा आता है, उसको फिर वो क्या होता है पकड़ता है मैग्नेट, बीच बीच में हर 4 घंटे में या 6 घंटे में मैग्नेट साफ करके उसमें लोहे का पीस मिलता है, इसको निकाल देना चाहिए। अगर टाइम में मैग्नेट सफाई नहीं करोगे, वही लोहा मतलब फील्ड रोल के अंदर से पास होके डबल लैप सेंसर अगर फेलोर है, पास होके लिकरीन में जाएगा, मतलब वो सब वायर पॉइंट डैमेज कर लेगा। तो इसीलिए वायर पॉइंट बचाने का एक ही उपाय है, डबल लैप सेंसर क्या करना, ये बराबर रहे, हर मशीन का चेक करके रखना। और इसका अगर समझ लो कोई सोल्डरिंग टूट गया, मतलब खुल गया, तो वायर क्या होगा निकल जाएगा, निकल जाएगा फिर आगे का भी सिलेंडर वायर डैमेज कर लेगा और बहुत परेशानी होगा। तो सोल्डरिंग होता है, जैसे हर बार सफाई में जाता है ना, इसमें देखने का कोई सोल्डरिंग निकल तो नहीं गया, निकल गया थोड़ा सा निकला होगा, तो इसको फिर से वापस सोल्डरिंग कर देना। और लिकरीन का माउंटिंग का बारे में ये जानकारी बहुत अहम है, आप इसको ध्यान रखिए। आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, थैंक यू।